आंदोलन मामले से जुड़ी अपडेट, जहां पटरी पर अभी भी डटे हुए हैं गुर्जर समाज के लोग। कोटा निजामुद्दीन के बीच चलने वाली 2 दर्जन ट्रेनें से प्रभावित हुई और आंदोलन को लेकर प्रशासन की ओर से 400 पुलिसकर्मी तैनात वहां पर रहे। जिला कलेक्टर और आईजी ने आंदोलन पर नजर बना रखी है पैनी। साथ ही मंत्री अशोक चांदना आज बातचीत इनसे कर सकते हैं और गुर्जर नेताओं से मंत्री अशोक चांदना बातचीत कर सकते हैं। आज ये बात अभी जो सूचना है वो सामने आ रही है। आंदोलन को लेकर प्रशासन की ओर से 400 पुलिसकर्मी तैनात वहां पर है। जिला कलेक्टर और आईजी भी वहां मौजूद हैं। मंत्री अशोक चांदना जो है बातचीत कर सकते हैं। तो पटरियों पर डटे हुए हैं अभी भी प्रदर्शनकारी गुर्जर समाज के जो लोग हैं। आपको बता दें कि कल शाम से जो प्रदर्शन है वो शुरू हो चुका था। कोटा निजामुद्दीन रेलवे मार्ग और कई रेलवे मार्ग जो है इससे प्रभावित हुए। तो धौलपुर में एक बार फिर गरमाया पुराना विवाद। पुराने विवाद को लेकर एक पक्ष ने किया दूसरे पक्ष पर हमला। 4 महिलाओं सहित आधा दर्जन लोग इसमें घायल हुए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सदर थाना इलाके के लुहारी का पूरा गांव की पूरी घटना है।